पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स वो आरोपी है जो जरा सी बात पर अपनी पड़ोसिन पर फायरिंग कर चुका है। जी हाँ, मामला हांसी का है, जहाँ घर के बाहर बने छज्जे को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद चल रहा था। इस दौरान एक महिला के पति ने दूसरी महिला पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली महिला के बाजू को छूकर निकल गई। गोली लगने की वजह से महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कुछ नहीं था जी, थोड़ा सा रोड़ा था, मकान का रोड़ा है, थोड़ा सा छज्जा बाहर निकल रहा है उसका ही रोड़ा था, और उसके बाद रफड़े मटे भी दिया हमने, ये कह दिया भाई फोड़ देंगे, चल भाई तिरड़ता हो तो फोड़ देंगे, या तो फुड़वा दियो या डोली काट लियो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को भाई, जैसे भी है भाईचारा है, बराबर में पड़ोस है, पड़ोस में रहते हैं, यही होता है और क्या होता है। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, क्यों पंप से आया, ये मारे था नहीं कोई घर, हम ही थे बस दो तीन घर पर, आते ही बस रोड़ा मचा दिया, घरवाली उसकी बंदूक लेकर देख गई है, ब्रांड का सबका गोली मार दे, उसकी घरवाली बंदूक देख गई है उसको चौक में सरेआम, ब्रांड का सबको गोली मार दे, उसने फिर गाड़ी पकड़ लगा, वो गाड़ी बकते बकते मैं बोला गाड़ी मत बक, भाई भाईचारे से बात कर, आराम से बात कर ले, गाड़ी क्यों बक रहे है, यही बात हुई थी। इतनी देर में उसने फायर करी, फिर मेरे पिताजी पे पहले उन्होंने फायर करी, बंदूक लगाई, और मेरे पिताजी के मार लग गए तो मोहल्ले के खड़े थे, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया उसका, ऊपर फायर होगी, फिर दूसरी फिर फायर करी उसने ऊपर, फिर मेरे छोटे घरवाली थी उसके यहाँ खड़ी हुई थी, उसके ऊपर सीधी गोली चलाई उसने, सीधी बिल्कुल साफ तौर पर सब ने देखा है। उनका नाम शारदा है, मेरे छोटे घरवाले है जी, छोटे भाई की, और किसी की नहीं, नहीं और किसी का नहीं लगी जी, उसके बाजू में लगी है बस, हिसार रेफर कर रखे जी सरबदे में। हाँ जी पुलिस आ चुकी है जी, पुलिस दो तीन बार आ लिया जी, SHO आ लिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, और उसके बच्चे भी ले गए थे, उसके बाद ही गिरफ्तार हुआ, भाज गया था वो, फरार हो गया था वो, घरवाले उठाए जब वो आए। हाँ जी हाँ जी, एक ही गोली लगी है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंडी सहनियान के रहने वाले आरोपी राजेश पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि भाई शारदा नाम की औरत को कुमार धर्मशाला के पास किसी ने गोली मार दी, जिस पर हमने अफसन बाला को बताया, अफसन बाला ने CIA 1 और CIA 2 साइबर सेल और हमारी एक ज्वाइंट टीम बनाई, और गोली मारने वाले का नाम राजेश बताया गया, जो हमारी टीम का संयुक्त प्रयास से हमने राजेश को राउंड अप कर दिया। नहीं वो मौके से नहीं, वो मौके से फरार हो गया था, हमने बाद में पकड़ा है। कितने दिन से है? इसमें एक लेडीज़ जिसका नाम शारदा है और ये आपस में पड़ोसी हैं, उसको अपने लाइसेंसी पिस्तौल से ने बाजू पर गोली मार रखी। सर इसके साथ बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी ने लागे थी। नहीं इसमें ये क्या था, ये गनमैन है किसी पेट्रोल पंप पे, और ये लाइसेंसी रिवाल्वर है और ये अपने साथ रखता उसको, और इनका आपस में पड़ोसी होने के कारण इनका जो छज्जा होता है ना, छज्जे पर विवाद है, उन जो दूसरी पार्टी है शारदा, और उन्होंने अब नया मकान बनाया है, उसमें जो छज्जा है थोड़ा आगे बढ़ा रखा है, और इनका है कहना कि भाई ये छज्जा जो आगे बढ़ा है ये हमारे मकान के ऊपर आता है। इस बात को लेकर लेडीज की कहा सुनी हुई, और बाद में इसको पता चला कि भाई तो इसने आकर उसको सीधा फायर कर दिया। ये मुकदमा शारदा के बयान पर 307 IPC का दर्ज हुआ है। घायल महिला की हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को उसकी पत्नी ने ही रिवॉल्वर लाकर दी थी, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। बहरहाल देखना होगा कि कानून आरोपी को क्या सजा देता है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।